बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के आवास पर इन दिनों सांप के मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। उनके आवास पर कोबरा सांप मिला है और जीवेश मिश्रा ने इसकी जानकारी खुद दी है, वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है और लगातार उनके आवास पर विषैले सांप के मिलने का सिलसिला काफ़ी दिनों से हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इसमें सांप निकलता रहता है, कल तो कोबरा निकला था, कुछ दिन पहले दूसरे प्रजाति की सांप निकली थी, उससे कुछ दिन पहले एक कोबरा का छोटा सा बच्चा निकला था। कई बार हमने कंप्लेन भी किया, एक सांप को तो पकड़ करके यहाँ के स्टाफ चिड़ियाखाना भी ले गए। तो अक्सर निकलता रहता है, भय का वातावरण बना रहता है यहाँ। कहीं ना कहीं हमको लगता है जो सरकार जो बदली है और सांप जो केचुल छोड़ रहे हैं वही सांप सब इधर उधर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन ये थोड़ा सा है कि यहाँ सांप काफ़ी निकलता है। भाजपा वालों पर ज़्यादा मेहरबान है क्या? नहीं, भाजपा वाले को सांप कुछ करता नहीं, लेकिन निकला जरूर है यहाँ 8-10 सांप। लेकिन अभी तक ईश्वर की असीम कृपा है, दुर्गा महारानी की कृपा है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भयभीत तो लोग रहते हैं, यहाँ स्टाफ रहते हैं, सब लोग भयभीत रहते हैं। तो आपने देख लिया, जीवेश मिश्रा साफ तौर पर बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उनके आवास पर जहरीले सांप का मिलने का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से उनके सरकारी आवास में विषैले सांप मिल रहे हैं, इससे आए दिन खतरे जो है वो बढ़ रहे हैं। जीवेश मिश्रा ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है और लगातार जो भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसकी जानकारी दी है कि मकान पुराना होने के कारण, साफ सफाई बेहतर तरीके से नहीं होने के कारण काफ़ी संख्या में विषैले सांप हैं उनके आवास पर मिल रहे हैं और उनके कर्मचारी भी काफ़ी भयभीत हैं। लगातार कोबरा सांप मिल रहा है, आज भी उनके आवास पर कोबरा सांप मिला है जो काफ़ी विषैला होता है। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा इससे पहले NDA सरकार में श्रम और संसाधन मंत्री थे, लेकिन अब उनका नया ठिकाना जो है दूसरा मिला है। अब उस आवास को जो है आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शहनवाज हुसैन के नाम, माफ कीजिएगा, शहनवाज आलम के नाम से अलॉट हुआ है। तो वैसी स्थिति में एक कोशिश है कि लगातार वन्य प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी है वो सांप को पकड़कर उसको चिड़ियाखाना भेजने का काम कर रहे हैं। अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।